वेलकम टू ड्यू टीवी। दोस्तों, ड्यू टीवी में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई लूट शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पर आपने अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, इस पर आपने अपनी KYC कैसे करनी है और इससे आप अपने दोस्तों को कैसे इन्वाइट करना है। तो दोस्तों, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है और अपनी KYC करनी है, इस पर आपको एक USDT जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पर अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे और वो इस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करने के बाद KYC मुकम्मल करेगा, तो उस पर भी आपको एक USDT है जो हासिल हो जाएगा। आपके जो दोस्त इनवाइट होगा उसको भी एक USDT मिलेगा और एक USDT जो है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए इस पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए इसका लिंक जो है वो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उस लिंक को आपने ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्लिक करनी है, अपनी ईमेल वगैरह देनी है और गेट जो स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों, आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद आपका अकाउंट जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने ऊपर यह मी का निशान है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देनी है। दोस्तों, जैसे ही आप ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने अपने अकाउंट को लॉग इन करने के लिए ईमेल और अपना पासवर्ड जो है वो देना है। उसके बाद आपकी ईमेल पर जो पासवर्ड जाएगा वो आपने पासवर्ड जो है वो लगा देना है। तो दोस्तों, जो ईमेल में आपको कोड मौसूल होगा वो आपने यहाँ इंटर करना है, उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपने अपनी KYC कैसे करनी है, KYC के लिए आपने ऊपर मी के ऊपर वहीं पर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने अपनी KYC के लिए नीचे यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर आपने क्लिक करनी है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप किससे वो मांगेगा कि आपने अपने CNIC में अपने KYC मुकम्मल करनी है या आपने अपने पासपोर्ट पर, तो आपने अपने CNIC को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो ID कार्ड नंबर है, ID कार्ड की जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी जो कंट्री है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम आपने लिखना है यहाँ पर। तो दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो बर्थ डेट है वो लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने जो सिटी है वो नेम लिखना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर आपने लिखना है। इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपने अपना एड्रेस जो है वो लिखना है। यहाँ पर आपने अपने CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो लिखना है। तो यहाँ पर आपने अपना जो अपने CNIC का जो नंबर है वो लिखना है। आपने लिखने के बाद आपने यहाँ इसको कन्फर्म कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको कन्फर्म करने के बाद आपने अपने CNIC की जो फ्रंट पिक्चर है वो आपने यहाँ पर सेंड करनी है। उसके बाद दोस्तों, अपने फ्रंट की जो बैक पिक्चर है वो नीचे आपने यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पर जो बैक है वो आपने यहाँ पर सेंड करने के बाद आपने कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों, ये देखें ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने यहाँ टेक जो फ़ोटो है इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद आपने अपनी सेल्फ़ी लेनी है। सेल्फ़ी लेने के बाद उसको आपने कंफर्म कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये देखें आपने आपके सामने ये मैसेज आएगा, इसको आपने कन्फर्म कर देना है। तो आपकी जो KYC है वो पेंडिंग में चली जाएगी। तो दोस्तों, ये देखें ये आपकी जो KYC है वो पेंडिंग में चली गई है। ये आप उसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वेटिंग, तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद 5-10 मिनट के बाद आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होगी तो आपको जो एक USDT है वो फौरी तौर पे हासिल हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं तो दोस्तों को भी इनवाइट कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए दोबारा हम अपनी एप्लीकेशन में वापस आ चुके हैं। तो आपने अगर अपने दोस्तों को इनवाइट करना है, दोस्तों को इनवाइट करने के लिए यहाँ रेफरल के ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो रेफरल लिंक है वो आपको मौसूल हो जाएगा। इस लिंक को आप यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को इन्वाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हासिल करें। तो दोस्तों, ये न्यू लूट आई है, ये पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना
अपना अकाउंट इस पर रजिस्टर करें। अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए इसका लिंक भी आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आखिर में मैं अपने उन तमाम दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आखिर में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।